बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर का, वो है कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। यानी ये हम इनको एप्लीकेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल कहते हैं। और उसमें हमने पहले क्या किया था, रेडियस ऑफ ऑर्बिट के लिए कैलकुलेशन की थी। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेशन करते हैं उसकी एनर्जी के लिए, ठीक है। तो वीडियो देखने के बाद आप सबसे पहले लाइक करें, उसको शेयर करें, और जिन स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए हुआ चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लें। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे। उस हम कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, चार्ज उसका e है, और वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट जिसका रेडियस या डिस्टेंस फ्राम द न्यूक्लियस r है, और वेलोसिटी उसकी जो है वो v है, ठीक है। अब इसके लिए हम कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी करते हैं, ठीक है। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन है, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी भी रखता है और पोटेंशियल एनर्जी भी ये रखता है, क्योंकि जो ये है ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी जो है वो ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम ड्यू टू इट्स मोशन है तो वो हम लेते हैं 1/2 एम वी स्क्वेयर, ठीक है। एम जो है मास है, वी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हम फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस लेते हैं। तो फोर्स जो है वो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को हमने इन्फिनिटी से इस ऑर्बिट में जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस आर है उसमें हम लाए हैं, तो फोर्स उसके लिए माइनस जेड स्क्वेयर 4π ε₀ आर स्क्वेयर है, जो कूलम फोर्स, ठीक है। पीछे हमने वो किया था ऑर्बिट के लिए कैलकुलेशन रेडियस के लिए, और मल्टीप्लाई जो डिस्टेंस है वो न्यूक्लियस से उसका कितना है, आर है, ठीक है। अब आर दोनों तरफ रेडियस प्रेजेंट है, तो रेडियस नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर तो ये कट जाएंगे। अब ये हमारे पास आ जाएगा माइनस जेड ई स्क्वेयर 4π ε₀ आर। अब ये हमने माइनस का साइन क्यों लिया है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से लाते हैं एक ख़ास पॉइंट पर, ठीक है, यानी न्यूक्लियस के करीब लाते हैं, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही होती है, ठीक है। तो इसलिए हम माइनस का साइन लगा देते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास कितनी हो गई, माइनस जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4π ε₀ आर, ठीक है। तो ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी हो गई, और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ये हो गई। अब दोनों की वैल्यू पुट कर दें इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास आ जाएगी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम ई स्क्वेयर माइनस जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4π ε₀ आर। अब एम ई स्क्वेयर की हम वैल्यू डालते हैं किससे, जो हमने रेडियस में मुख्तलिफ इक्वेशन डिराइव की, वहाँ पर आपने देखा था कि एम वी स्क्वेयर की वैल्यू वहाँ पर आ रही थी हमारे पास जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4π ε₀ आर। तो वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दें तो ई टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वेयर की वैल्यू डाल दी जेड ई स्क्वेयर बाई 4π ε₀ आर, और माइनस जो है पोटेंशियल एनर्जी की ये वैल्यू है जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4π ε₀ आर। 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 8π ε₀ आर, क्योंकि 2 भी डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, बाकी उसी तरह रहेगा, ठीक है। तो जेड ई स्क्वेयर 4π ε₀ आर माइनस जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4π ε₀ आर, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, टोटल एनर्जी। अब हम इनका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं इनको एक वो बनाने के लिए, ठीक है। तो 8π ε₀ आर इनमें सबसे बड़ी वैल्यू है, तो हम इसको ले लेते हैं। तो जेड स्क्वेयर, ठीक है, इसका मल्टीप्ल इस पर हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो 1 के साथ इसको वो कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, माइनस इसकी वैल्यू कर दें तो 2 हमारे पास बच जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस 2 जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 8π ε₀ आर। और हमारे पास जब इनकी हम सब्सट्रैक्शन कर लेंगे तो हमारे पास माइनस जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 8π ε₀ आर आपकी वैल्यू हो जाएगी, और ये इक्वेशन नंबर 3 आप इसको
नामिनेट कर दें। ठीक है, तो यहाँ अब फिलहाल इसको यहाँ पर रहने दें। अब आर की वैल्यू हम पीछे जो हमने रेडियस ऑफ ऑर्बिट के लिए कैलकुलेशन की थी वहाँ से रेडियस की वैल्यू ले लें, तो वो वैल्यू थी एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर प्लैंक्स कांस्टेंट स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट आर और डिवाइडेड बाय 4 पाई एम ई स्क्वेयर जेड। ठीक है, तो अब ये वैल्यू आप आर की में इस इक्वेशन नंबर 3 में आर की वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास आ जाएगी माइनस जेड स्क्वेयर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पुरानी वैल्यू है और ये आपकी आर की वैल्यू आ गई। सही है, तो आर डिनोमिनेटर में था जो, तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में है वो नॉमिनेटर में आ जाएंगे और जो नॉमिनेटर में थे वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो पाई ये डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएंगे एम ई स्क्वेयर जेड डिवाइडेड बाय एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट अब क्या कर लें, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लें इक्वेशन को, तो हमारे पास जेड यहाँ पर भी है यहाँ पर, तो जेड का स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, ई स्क्वेयर और ई स्क्वेयर मल्टीप्लाई होकर ई की पावर 4 आ जाएगा, एम आ जाएगा और 8 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर आ जाएगा। पाई ये पाई आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और एन स्क्वेयर और एच स्क्वेयर आपका आ जाएगा। तो ये आपकी आ गई क्या टोटल एनर्जी के लिए हमने इक्वेशन या कैलकुलेशन कर ली। अब इसमें कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो कांस्टेंट हैं, कुछ वैल्यूज़ वेरिएबल हैं, तो वेरिएबल और कांस्टेंट को हम अलग कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गई, कांस्टेंट वैल्यू आ गई सारी। ठीक है, और ये हमारे पास जो है एटॉमिक नंबर का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर क्या है, ये वेरिएबल वैल्यू है, क्योंकि एटॉमिक नंबर आप डिफरेंट एलिमेंट का मालूम करना चाहते हैं। सही है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वो आपका वही एटॉमिक नंबर उस एलिमेंट का होगा, और एन स्क्वायर जो किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो नंबर आप डाल देंगे। ठीक है, तो ये दोनों वेरिएबल हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर हम इनकी वैल्यू निकाल दें, ये कांस्टेंट जो है हमारे पास, इनकी वैल्यू पुट करके इनकी कैलकुलेशन करके, वो हमारे पास आ जाएंगी माइनस 2.18 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 18। ठीक है, और जेड स्क्वेयर एन स्क्वेयर जो वेरिएबल है उससे आ जाएंगे, और जोल पर एटम। ठीक है, ये जोल पर एटम अगर हम, लेकिन पर एटम हम मालूम नहीं कर सकते, हम अक्सर मोल की फॉर्म में करते हैं, और इसको किलो जोल में अगर कन्वर्ट कर दें तो और भी अच्छी यूनिट आपके पास आ जाएगी। तो आप क्या कर लें, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लें नंबर ऑफ एटम्स इन पर मोल। ठीक है, पर मोल हमें पता है 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम्स आते हैं, डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा, किलो जोल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसको जोल को 1000 पे डिवाइड कर दें। ठीक है, तो आपके पास जो यूनिट आ जाएगी वो आ जाएगी किलो जोल पर मोल, ये टोटल एनर्जी की आ जाएगी। अब अगर आप कहते हैं कि मैं हाइड्रोजन के लिए मालूम करना चाहता हूँ, तो हाइड्रोजन के लिए क्या है हमारे पास, ठीक है, जेड जो है एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है, तो उसकी वैल्यू पुट कर दें 1, तो आपके पास उसी तरह माइनस 2.18 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 18, और एन स्क्वेयर आप जिसमें मालूम करना चाहते हैं, पहले में है मालूम करना है, दूसरे में, तीसरे में, तो आप उससे वैल्यू निकाल सकते हैं, जस्ट यहाँ पर उनका स्क्वेयर ले लें। ठीक है, तो जोल पर एटम आ गए, उसी तरह अगर किलो जोल पर मोल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई कर दें 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आपके पास आ जाएगी किलो जोल पर मोल आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो जब हमने ये मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास 1300 12.36 ठीक है किलो जोल पर मोल और डिवाइडेड बाय एन स्क्वेयर। अब एन अगर 1 है तो यही वैल्यू हो जाएगी, एन स्क्वेयर 2 है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 को इस पर डिवाइड कर ले, तो इस तरह आपकी कैलकुलेशन होती जाएगी। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो किसी स्टेप में, तो आप कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं उसका अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम में उसके वीडियो के फॉर्म में जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।